ऑयल मार्केटिंग कंपनी 3-4 दिन से चल रहा है। बिल्कुल, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां अच्छी चल रही हैं, इनकी अंडर रिकवरीज अब पूरी हो चुकी ओवर है, रिकवरीज ओवर हो गई। रिकवरीज हो गई हैं इनफैक्ट, अब बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब इसी पर बात करने के लिए साथ हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ सुमित पोखराना है जो ऑयल एंड गैस स्पेस को कवर करते हैं, उनसे समझते हैं। सुमित, क्योंकि 3 महीने से लगकर सारे क्रूड डेरिवेटिव्स को, OMCs को फायदा हो रहा है और अब क्लियरली इनके अर्निंग्स में ये रिफ्लेक्ट भी होगा। सुमित, मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। इस वक्त क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? अगर यहाँ पर अर्निंग्स का एक बड़ा ट्रिगर है और अब ये जो चाल शुरू भी हो गई है OMCs की, बड़ी बड़ी बुलिश रिपोर्ट्स भी आ रही हैं ब्रोकरेज की, तो क्या यहाँ पर ये रैली जो शुरू हुई है ये सस्टेन करेगी? थैंक यू वेरी मच मेरे को आपके टीवी चैनल पे बुलाने के लिए। सी, OMCs को पर्टिकुलरली और इंडियन ऑयल रिफाइनरीज को काफी फायदा हो रहा है बोथ एंड्स पे। ऑयल जो मार्केटिंग कंपनीज है उनको मार्केटिंग में काफी अच्छा मार्जिन मिल रहा है बिकॉज ऑफ फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइसेस, और रिफाइनिंग मार्जिन भी स्ट्रॉन्ग ही है बिकॉज वी आर गेटिंग डिस्काउंटेड क्रूड फ्रॉम रशिया, तो वो मार्जिन को टॉप अप कर रहे हैं। सो नटशेल में देखा जाए तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। इनको, इस कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक रिफाइनिंग डिवीजन, एक मार्केटिंग डिवीजन। रिफाइनिंग डिवीजन में अगर उसके रिफाइनिंग मार्जिन देखे जाए जो कि उसका की पैरामीटर रहता है, वो काफी इंप्रूव हुआ है। बेंचमार्क सिंगापुर रिफाइनिंग मार्जिन $4.1 है बट इंडियन रिफाइनरीज को अराउंड $7.3 पर बैरल मार्जिन आना चाहिए ये क्वार्टर में। सो दैट इज ओवरऑल ब्लेंडेड मार्जिन वी आर टॉकिंग अबाउट। इसका मतलब क्या है कि योर जनरली क्या होता है, या तो मार्केटिंग मार्जिन बहुत अच्छा कर रहा होता है या रिफाइनिंग मार्जिन बहुत अच्छा कर रहा होता है। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में बिकॉज सब डिस्काउंटेड क्रूड मिल रहा है रशिया से अपने को, तो उसको काफी इंडियन रिफाइनरीज को बेनिफिट हो रहा है, तो रिफाइनिंग मार्जिन भी अच्छे हो रहे हैं। और मार्केटिंग मार्जिन जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा यहाँ पे, Q1 FY 2024 में जो डीजल मार्जिन है वो 9.8 रुपीज पर लीटर है और गैसोलीन मार्जिन वो 8.70 रुपीज पर लीटर चल रहा है, तो हमारे एस्टिमेट्स के हिसाब से। सो विच इज क्वाइट पॉजिटिव फॉर ऑयल मार्केटिंग एंड रिफाइनिंग कंपनीज। एट द सेम टाइम जो स्टैंड अलोन रिफाइनरीज है, MRPL, चेन्नई पेट्रोलियम, जिनका मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है या फिर बहुत वीक मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन है एज कम्पेयर टू लार्जर प्लेयर्स, उन लोगों को भी फायदा हो रहा है बिकॉज उनके मार्केट जो रिफाइनिंग मार्जिन है वो इम्प्रूव हो गए सिग्निफिकेंटली। सो हमारा एस्टिमेट है कि इस बार मार्केटिंग मार्जिन का जो बेनिफिट मिलेगा वो समवेयर अराउंड 24 से 25,000 करोड़ रुपीज के बीच में रहेगा फॉर दिस क्वार्टर। बाबू ये बताइए कि करना क्या है आपके हिसाब से, तीनों स्टॉक्स में कहां पे सबसे बड़ी गुंजाइश आपको अच्छा पैसा बनाने की मिल रही है, शॉर्ट टर्म में भी और मे बी 6-8 मंथ 2-3 क्वार्टर का व्यू ले? हाँ, इसमें ये क्वार्टर के नंबर्स तो काफी अच्छे आएंगे और मार्केट ने काफी हद तक वो डिस्काउंट भी कर लिया वैल्यूएशन के अंदर। सो हमारे को ऐसा लगता है कि देयर आर टू कंसर्न्स एट द सेम टाइम कि गवर्नमेंट एज वी कम क्लोजर टू इलेक्शन ईयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इनकी प्राइस कट हो जाए, ये रिटेल फ्यूल प्राइसेस कट कर दे, तो एक पॉसिबिलिटी हुआ है। दूसरा, ग्लोबल क्लूज आ रही है कि दिस वॉर में एंड सूनर और लेटर, तो उसके ये हो सकता है कि जो डिस्काउंट आज अपने को मिल रहा है वो इवेंचुअली कम होता जाए डिस्काउंट, और जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन चल रहा है जिसके कारण अपने को रियलाइजेशन काफी अच्छे मिल रहे हैं, काफी रिफाइनरीज आउट ऑफ बिजनेस हो गई है बिकॉज ऑफ दैट, पर्टिकुलरली इन रशिया और यूक्रेन, सो वो भी सप्लाई पे आ सकती है इवेंचुअली। सो हमारा ये मानना है कि यहाँ इस पॉइंट पे ये तीनों कंपनीज फुल्ली वैल्यूड है और रीसेंट रनअप के बाद में यहाँ पे ज्यादा गुंजाइश नहीं मिल रही है, वैल्यूएशंस काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं ऑलरेडी, और जो कंसर्न्स मैंने हाईलाइट किए वो नियर टर्म कंसर्न्स ही हैं, तो वो वैल्यूएशन में प्राइस्ड इन नहीं है अभी तक। ज़्यादा तेजी का अब अनुमान नहीं है, वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो चुके हैं, तो फिलहाल फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं दे रहे हैं यहाँ पर सुमित। IOC, BPCL, HPCL, इन तीनों के वैल्यूएशन सब काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं और वॉर भी जल्द ही बंद होने की इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं,
तो फिलहाल ये राय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर। सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की चर्चा में हमारे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए।